अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को सेकंडों में कैसे कलराइज करते हैं। तो इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ कि हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को एकदम से कैसे कलराइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी तमाम सेटिंग जो सीख सकें। और उससे पहले अगर आप सब दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो सबसे पहले चलते हैं हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर पे। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया हुआ है, गूगल से मैंने उठाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक साइड है जो है कलराइज फ़ोटो। इस साइड पे यह दावा है कि हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को मिनटों और सेकेंडों में कलराइज पिक्चर में चेंज कर सकते हैं। तो इससे इसकी जो सेटिंग है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास यूआरएल है, कोई लिंक है, तो वो भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके सिस्टम में कोई पिक्चर पड़ी है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपलोड आए पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उससे पहले यहाँ पे नीचे उन्होंने सारी ये सेटिंग जो है वो बताई हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पे हम चेक करके देख सकते हैं, जैसे ये पिक्चर अपलोड होगी तो यहाँ पे हमें ये शो रहेगा। देखिए, अगर यहाँ से हम सेंटर से इसे मुकम्मल इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इस पिक्चर को कलर कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, ये वाला वह कलर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह की जो सेटिंग है इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे एक पिक्चर पड़ी है, वो देखते हैं कि वो अपलोड का क्या तरीका है, उसको कैसे कलराइज करना है। ये देखिए, यहाँ पर अपलोड पे आऊँगा और ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर दिया। और ये देखिए, ये मेरे पास एक पिक्चर जो थी ब्लैक एंड वाइट थी और इसको मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे इसको मुकम्मल हम ये इस तरफ घुमा देंगे और ये देखिए, इसको इसको इसने कलर कर दिया। मतलब 4 से 5 सेकंड में इसने उसको कलर में तब्दील कर दिया। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत कुछ सेटिंग है तो हम इसको सेव करके, डाउनलोड करके फोटोशॉप में बाकी जाके उसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए डाउनलोड का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे तो ये इसको डाउनलोड करा देगी। तो ये PNG में फॉर्मेट में होगी और यहाँ पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन PNG में इसने हमें दे दिया। उसके बाद अगर कुछ चेंजिंग आती है तो हम इसको फोटोशॉप में जाके चेंज जो कलर वगैरह होगा इसका सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, जिसमें आपको कन्फ्यूजन थी कि आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कैसे कलर करते हैं। तो इंशाल्लाह वो कन्फ्यूजन आप सब दोस्तों की क्लियर होगी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी साइट है, इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपने सारे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर में चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।